डियर स्टूडेंट, आज मैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में मिडिल ब्रेकर हल के बारे में बता रहा हूँ। मिडिल ब्रेकर को डबल मोल्ड बोर्ड प्लाव भी कहते हैं, मिडिल ब्रेकर या डबल मोल्ड बोर्ड प्लाव। यह एक विशेष प्रकार का हल है जिसमें दो मिट्टी पलट यानी दो मोल्ड बोर्ड लगे होते हैं और एक ही फ्राग यानी एक ही हलमूल पर दो मिट्टी पलट लगे होते हैं, एक दाएं तरफ दूसरा बाएं तरफ मिट्टी को पलटता है। इस हल के फार में दो पंख होते हैं तथा दो धार भी होते हैं जो क्रमशः दोनों मोल्ड बोर्ड के लिए मिट्टी को काटते हैं। इसमें दाबरोधी नहीं होता है, उसके स्थान पर एक रडर होता है और रडर के पीछे जो है एक धारदार ब्लेड लगा होता है जो खेत जोतते समय मिट्टी में घुस जाता है तथा हल को एडजस्ट करता है यानी दाएं बाएं नहीं भागने देता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि रडर जो है इस हल में दाबरोधी का कार्य करता है। ये मिडिल ब्रेकर हल का यह चित्र है, कभी अगर पूछता है तो आप इसको बनाइए। ये हल जो है तीन प्रकार के कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए कार्य के अनुसार इसके नाम भी बदल जाते हैं। जब इसका प्रयोग किसी फसल की दो लाइनों के बीच मिट्टी तोड़ने यानी जुताई करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो इसे मिडिल ब्रेकर कहते हैं। जब इस हल द्वारा बनाए गए कुंड में बीज बोया जाता है तो उसे लिस्टर कहते हैं तथा जब इस हल से नालियां बनाई जाती हैं तो उसे डिचर या रिज मेकर कहते हैं। इसलिए गन्ना बुआई के लिए नाली बनाने के लिए यह बहुत ही अच्छा हल माना जाता है। इसके अलावा एक और हैवी हल है जिसको टर्नरेस्ट हल बोलते हैं। टर्नरेस्ट हल, इसकी बनावट ऐसी होती है कि कुंड के अंत में इसका मोल्ड बोर्ड जो है तत्काल दूसरी ओर बदला जा सकता है। ऐसा करने पर कुंड की मिट्टी लौटते समय भी पहले कुंड पर ही गिरती है यानी एक तरफ गिरती है। इसमें हलतल भी होता है और दाबरोधी की एक तरफ जो है हुक लगा होता है। इसका फार वी आकार का होता है, इसके बीच का हिस्सा ऊंचा तथा दोनों ओर ढालू होता है। इसमें दोनों किनारे कटिंग एज यानी धार युक्त होते हैं जो एक के बाद दूसरा कार्य करते हैं। इस हल से खेत जोतते समय, खेत के छोर पर पहुंचते समय, हल को घुमाते समय दोनों हाथों को पकड़कर हल को झटका देकर उठाते हैं और हुक को पैर से ठोकर मार देते हैं जिसके कारण मोल्ड बोर्ड तत्काल घूम जाता है और इतने ही समय में हुक आकर दूसरी ओर के छल्ले में बैठ जाता है और इस प्रकार हल अपना काम पहले की भांति करने लगता है। इस प्रकार मोल्ड बोर्ड और फार से एक ओर से एक बार काम लेते हैं तथा दूसरी ओर से दूसरी बार काम लेते हैं। इस प्रकार कभी कभी राइट हैंड प्लाव हो जाता है, कभी कभी लेफ्ट हैंडर हो जाता है। इसका हुक जो हरी से जुड़ा होता है और इस हल को खेत में चारों ओर घुमाने की अपेक्षा कुंड के पास से ही कुंड बनाते हैं जिससे बैलों को कम चलना पड़ता है। इस विधि से यानी इस हल से जुताई करने पर खेत की समतलता बनी रहती है और ढालू भूमि को हम जोत कर इस हल से उसको समतल कर सकते हैं। और इस हल से जुताई करने पर इसमें जो है खेत में खुली कुंड या डेड फरो का निर्माण नहीं होता है, तो ये बहुत अच्छी विशेषता है। पहाड़ी भागों में भूमि जोतने के लिए जब इस हल का प्रयोग करते हैं तो इसे हिल प्लाव कहते हैं। यह हल अच्छी किस्म के लोहे का बना होता है जैसे ढलवा लोहा। विभिन्न प्रकार की भूमियों में काम करने इस हल की कई किस्में पाई जाती हैं, जैसे लाइट सॉयल या हल्की भूमि में काम करने के लिए एटी प्लाव तथा गहरी जुताई करने के लिए सीटी प्लाव का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त टर्नेस्ट हल की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे भार 41 किलोग्राम,
इसका खिंचाव 120 से 140 kg, इसकी कार्य क्षमता 0.4 हेक्टेयर, कूण का आकार 22.5 से 15 सेंटीमीटर, इसका फार द्रुत सीटी ढलवा लोहे का बना होता है, ढांचा भी ढलवा लोहे का बना होता है और हरीस इसकी उच्च कार्बन इस्पात की बनी होती है। मोल्ड बोर्ड यानी पंखा ढलवा लोहे का बना होता है, दाबरोधी भी ढलवा लोहे का बना होता है, हत्था जो है मृत इस्पात का, इसमें 2 हत्थे लगे होते हैं। इस प्रकार इन दो हलों को आप अच्छी तरह पढ़कर अपने कॉपी में लिखकर इसका फिगर भी बनाइए और इसको याद करिए। थैंक यू।